किड्स, वेलकम टू उड़ान अकेडमी। आज हम इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, द जिंजर ब्रेड मैन। ओके, क्या हुआ है इस चैप्टर में? एन ओल्ड मैन नेम्ड जॉन एंड हिज वाइफ जेन लिव इन अ कॉटेज। टुडे इज जॉन्स बर्थडे। जेन डिसाइड्स टू बेक अ केक फॉर हिम। एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी जिसका नेम जॉन है, एंड उसकी वाइफ जेन एक कॉटेज में रहते हैं। आज जॉन का बर्थडे है और जेन जो उसकी वाइफ है वो उसके लिए एक केक बनाती है। जब जॉन गार्डन में जाता है काम करने, तब जेन किचन में जाती है एंड एक जिंजर ब्रेड बनाने का सोचती है। उसे आइडिया आता है कि मैं जिंजर ब्रेड को एक मैन के शेप में, एक इंसान के शेप में बनाऊंगी और उसका नेम जिंजर रखूंगी। सो जेन रोल्स आउट द डव एंड कट्स इट आउट इन द शेप ऑफ अ मैन। जेन क्या करती है, आटा गूंथती है और उसे एक मैन के शेप में बेलती है। जिंजर ब्रेड का मुंह बनाने के लिए वो एक कुकी यूज़ करती है, उसका माउथ बनाने के लिए। फिर दो चॉकलेट चिप्स लेती है और उससे आइस बनाती है। फिर रेड चेरी से वो बटन्स बनाती है, 3 रेड चेरी से वो बटन्स बनाती है उसकी शर्ट के। अब वो क्या करती है, जिंजर ब्रेड मैन को बेकिंग ट्रे में रख के अवन में रखती है बेक करने के लिए, है ना, हम केक और कुकीज़ को बेक करते हैं ना। थोड़ी देर के बाद जब वो बेक हो जाता है तो वो अपने अवन मिट्स, मतलब अपने ग्लव्स पहनती है, अवन का डोर खोलती है। जैसे ही वो डोर खोलती तो जिंजर ब्रेड मैन, ये देखिए ये रहा जिंजर ब्रेड मैन, ये ट्रे में से जंप करके और बाहर भाग जाता है। ये देखो, ये गार्डन में से भगाया है, घर में से निकल के ये जिंजर ब्रेड मैन गार्डन में आ गया है। अब फिर जेन भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है और बोलती है, जिंजर वेट, डू नॉट गो, वी शैल हैव यू फॉर डिनर। क्या बोलती है, जिंजर तुम भागो मत, हम तुम्हें डिनर के लिए खाएंगे। ओ नो, यू कांट हैव मी फॉर द डिनर, सेज जिंजर। अब जिंजर, ये जो जिंजर है वो बोलता है, नहीं तुम मुझे खा नहीं सकते, और सिंग करता है, रन रन एज फास्ट एज यू कैन, यू कांट कैच मी, आई एम द जिंजर ब्रेड मैन। क्या बोलता है, ये गाना गाता है, भागो भागो तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, ऐसा करके ये सॉन्ग सिंग करता है। अब क्या होता है, बेसी काऊ, एक काऊ है जिसका नेम है बेसी काऊ, उसको देखती है और बोलती है, ए तुम तो बहुत टेस्टी लग रहे हो, हे वेट यू लुक सो टेस्टी, और मो करती है वो। बट द जिंजर सिंग, रन रन एज फास्ट एज यू कैन कैच मी, आई एम द जिंजर ब्रेड मैन। काऊ को देख के भी वो दौड़ता है, रन करता है। फिर उसे रास्ते में कौन मिलता है, पेपी पिग। पेपी पिग भी जिंजर ब्रेड मैन को पकड़ने की कोशिश करता है। जिंजर ब्रेड मैन सिंग करता है, रन रन एज फास्ट एज यू कैन कैच मी, आई एम द जिंजर ब्रेड मैन, और वहाँ से भाग जाता है। फिर जिंजर मैन कम्स टू अ रिवर, ही वॉन्ट्स टू क्रॉस इट, बट इफ़ ही फॉल्स इन टू द वाटर ही विल बिकम सॉगी। क्या होता है, जिंजर ब्रेड मैन यहाँ पे रिवर के पास आ जाता है। अब वो देखते हैं कि मैं रिवर में कैसे जाऊँ, है ना, तो वो सोचता है अगर मैं रिवर में गिर जाऊँगा तो बहुत गीला हो जाऊँगा, पिघल जाऊँगा पूरा, है ना, केक और बिस्किट्स कुकीज़ कैसे पानी में जाके सॉगी गीले हो जाते हैं पूरे। अब उसे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ, तो उसे एक आवाज़ आती है, वो देखता है इट्स फरी फॉक्स। कौन है, इट इज़ फरी फॉक्स। फरी फॉक्स उससे पूछती है, डू यू वॉन्ट मी टू टेक यू अक्रॉस द रिवर, येस बट विल यू ईट मी अप। क्या पूछती है फॉक्स उससे, कि तुम्हें नदी पार करनी है क्या, मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्या। तो जिंजर बोलता है, येस पर तुम मुझे खाओगी तो नहीं। फॉक्स बोलती है, ओ नो क्लाइंब ऑन माई बैक। वो बोलती है, नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। दोनों जाते हैं, रिवर क्रॉस करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, पानी गहरा हो जाता है और फॉक्स की पीठ पानी में डूबने लगती है। तो वो उससे कहती है, अब तुम मेरे हेड पे बैठ जाओ, हॉप ऑन टू माय हेड, तुम मेरे सर पे बैठ जाओ। जिंजर मैन बोलता है ओके, और वो उसके हेड पे बैठ जाता है। फिर थोड़े और पानी में जाते हैं तो फॉक्स बोलती है, यू आर हैवी, माई हेड हर्ट्स, प्लीज सिट ऑन
माई स्नाउट, क्या बोलती है ये पॉग कि तुम मेरे सर पे बैठ रहे हो, मुझे बहुत सर दुख रहा है, आ जाओ तुम मेरी नाक पे बैठ जाओ। स्नाउट मतलब होता है नोज, तो जिंजर मैन यहाँ से आके उसकी नोज पे बैठ जाता है। और जैसे ही वो उसकी नोज पे बैठता है तो परी अपना जोर से मुंह खोलती है, जिंजर मैन को पान हवा में उछाल कर से कैच करके खा लेती है। ऐसे अपन करते हैं ना किसी चीज़ को फेंक के और एकदम से कैच कर लेते हैं, तो फॉक्स भी ऐसे करती है, उसको एकदम से फेंक के और माउथ में कैच कर लेती है और उसे खा जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, सब एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले टिक ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है, हमें बताना है। इट इज़ जेन्स बर्थडे। फॉल्स, जेन का बर्थडे नहीं था, जॉन का बर्थडे था, पूछ रहे हैं। सेकेंड है जेन बेक्स अ जिंजर ब्रेड मैन। दिस इज़ ट्रू है ना, जेन जो है बेक करती है, एक जिंजर ब्रेड मैन बनाती है, तो इट इज़ ट्रू। थर्ड है जिंजर ब्रेड मैन रन्स अवे। जिंजर ब्रेड मैन भाग जाता है क्या? ट्रू, वो भाग जाता है। फोर्थ है बेसी काऊ कैचेस जिंजर। बेसी जो काऊ है वो जिंजर मैन को पकड़ लेती है क्या? तो फॉल्स, नहीं पकड़ पाती है। फिफ्थ है फरी फॉक्स ईट जिंजर। फॉक्स जो है वो जिंजर मैन को खा लेती है क्या? ट्रू। उसके बाद है व्हाट इज़ द ओल्ड मैन्स नेम। बूढ़े आदमी का नाम क्या था? जॉन। What does Jane use for Ginger's mouth? Ginger का mouth बनाने के लिए Jane क्या use करती है? Cookie. How many red cherries does Jane use? Jane कितनी red cherries use करती है? 3 red cherries use करती है Ginger man के button बनाने के लिए। यहाँ पे पूछा है What does Ginger want to cross? Ginger क्या cross करना चाहता है? River, नदी cross करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट आर दिस, आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, हमें ओरली इनका आंसर करना है। व्हाट डज जेन यूज टू मेक जिंजर्स आई। जेन जिंजर की आईज बनाने के लिए क्या यूज़ करती है? चॉकलेट चिप्स यूज़ करती है। व्हाई डज जेन यूज रेड चेरीज। जेन ने रेड चेरीज क्यों यूज़ करी? जिंजर की बटन्स बनाने के लिए यूज़ करी थी। What will happen if ginger falls into the river? अगर जिंजर पानी में गिर जाता तो क्या हो जाता? It will get soggy, है ना, बहुत गीला हो जाता। Why does furry ask ginger to sit on his snout? Furry जो फॉक्स थी वो जिंजर को अपने नोज पे बैठने के लिए क्यों कहती है? क्योंकि उसका हेड दुख रहा था। अब देखिए ये एक्सरसाइज है जिसमें जो वर्ड्स दी हुई हैं बिग स्पेलिंग, इसमें से हमें छोटी स्पेलिंग सर्च करनी की कौन सी बनेंगी। जैसे ये है बर्थडे, बर्थडे में से अगर पीछे से हम डी ए वाई ले लें तो बन जाएगा डे, डे मतलब दिन। उसके बाद है कुकी, कुकी में अगर हम सी डबल ओ के ले लेते हैं तो बन जाएगा कुक, कुक मतलब पकाना। फिर ये दी है चॉकलेट की स्पेलिंग, अगर हम इसमें से पीछे का एल ए टी ई लेट ले लेते हैं तो लेट मतलब पता ना आपको, लेट हो जाते हैं हम किसी काम करने में। उसके बाद है ये टूथपेस्ट की स्पेलिंग, टूथपेस्ट की स्पेलिंग से हमने टी डबल ओ टी एच ले लिया, टूथ, टूथ मतलब दांत। उसके बाद ये है कोकोनट की स्पेलिंग, कोकोनट की स्पेलिंग में से हमने कौन सी छोटी स्पेलिंग बनाई है? एन यू टी, नट, नट। ओके, नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। जैसे ये क्या है? पेंसिल, वन पेंसिल है ना, अगर मेरे पास ऐसे टू या थ्री या फोर होती तो क्या मैं बोलती? पेंसिल्स, क्या लग जाता? एस लग जाता, पेंसिल एंड पेंसिल्स। ऐसे क्या होता है? बर्ड, बर्ड मतलब एक पक्षी, एंड बहुत सारे पक्षी तो क्या हो जाता है? बर्ड्स, एस लग जाता है, बन जाता है बर्ड्स। चेयर, चेयर मतलब क्या होता है? वन कुर्सी, चेयर्स, चेयर्स मतलब एक से ज़्यादा, दो तीन चार पांच कुर्सियाँ। ओके, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं उनके प्लूरल फॉर्म से मैच करना है। जैसे फेरी, फेरी का बन जाता है फेरीस। यह है वुल्फ, वुल्फ का बन जाएगा वुल्फ। लेडी, लेडीज। पैरेट, पैरेट्स। फॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। ओके, नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमें ये देखना है कि क्या पिक्चर दी है और स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखना है। ये क्या कर रहा है? स्विम, हमने यहाँ लिख दी स्विम की स्पेलिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टार। दिस इज अ स्टिक, स्टिक मतलब डंडी। दिस इज स्पेड,
पेड़ मतलब फावड़ा, ये क्या है स्विंग, स्विंग मतलब झूला, ये क्या है स्पिन, स्पिन मतलब ऐसे ऐसे घूमना, है ना लट्टू ऐसे ऐसे घूमता है ना, स्पिन करता है।